दुनिया भर में ऐसे कई क्रिकेट खिलाड़ी हैं जिन्हें या तो मारपीट की वजह से या मैच फिक्सिंग की वजह से जेल की हवा खानी पड़ी, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि किसी क्रिकेट खिलाड़ी को फांसी की सजा मिली हो? नहीं ना, लेकिन ये बिल्कुल सच है। वे खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि वेस्टइंडीज के एक पूर्व क्रिकेटर थे। उसका नाम लेस्ली जॉर्ज हिल्टन था। लेस्ली एक तेज गेंदबाज थे। उन्होंने 1935 से लेकर 1939 तक वेस्टइंडीज की ओर से 6 टेस्ट मैच खेले हैं। लेस्ली हिल्टन को अपनी पत्नी की हत्या के जुर्म में 17 मई 1955 को फांसी दे दी गई थी। इस हत्या के पीछे का कारण भी बड़ा दिलचस्प है। कहा जाता है कि उन्होंने अपनी पत्नी लालिन रोज की से खपा होकर उनकी हत्या कर दी थी। लेस्ली और लालिन साल 1935 में पहली बार एक दूसरे से तब मिले थे जब लेस्ली हिटलेन अपने डेब्यू मैच खेल रहे थे, और कुछ सालों के बाद 1942 में दोनों ने शादी कर ली। इसके 5 साल के बाद उनका एक बेटा भी हुआ, लेकिन शादी के 12वें साल दोनों के शादीशुदा रिश्ते में दरार पड़ गई। जानकारी के मुताबिक लालिन कपड़ों का कारोबार करती थी और वे उसी सिलसिले में अक्सर न्यूयॉर्क जाती रहती थी। कहा जाता है कि एक बार ऐसे ही लालिन अपने काम को लेकर न्यूयॉर्क गई हुई थी। इसी बीच लेस्ली को एक गुमनाम चिट्ठी मिली। इस चिट्ठी में लालिन और न्यूयॉर्क के एक व्यक्ति के साथ अवैध संबंध का जिक्र किया गया था। गुमनाम चिट्ठी मिलने के बाद लेस्ली ने आओ देखा ना ताओ तुरंत अपनी पत्नी को न्यूयॉर्क से वापस बुलाया और उसके बारे में पूरे परिवार को बता दिया। हालांकि पहले तो लालिन ने अवैध संबंधों से इनकार किया, लेकिन बाद में उसने बताया कि वे उस व्यक्ति को सिर्फ जानती है। लेस्ली भी हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने पोस्ट ऑफिस से कुछ और चिट्ठियां निकलवाई जो लालिन को लिखा गया था, और उन्होंने अपनी पत्नी को दिखलाया। इसके बाद लालिन ने ये कबूल कर लिया कि उसके अवैध संबंध थे। लालिन ने अपने अवैध संबंधों का खुलासा करते हुए बताया कि लेस्ली से उसका कोई मेल नहीं था, वे उनके लेवल के नहीं थे और इसी कारण वे हमेशा बीमार रहती थी। बताया जाता है कि लालिन की इसी बात से लेस्ली इतने नाराज हुए, उन्होंने अपने लाइसेंसी बंदूक से अपनी पत्नी को ताबड़तोड़ 7 गोलियां मार दी, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। इसके बाद यह मामला अदालत में पहुंचा और कोर्ट ने 20 अक्टूबर 1954 को लेस्ली को उनकी पत्नी की हत्या का दोषी पाया और उसके बाद उसे फांसी की सजा सुना दी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो पे लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। और दोस्तों, कमेंट में अपनी राय जरूर दें कि लेस्ली ने सही किया या गलत किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।